गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में, जो आपको रखे सबसे तेज अपडेट। तो गाइस, जैसे कि मैं कुछ भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है या कुछ भी सबसे पहले अपडेट होती है तो सबसे पहले मैं आपको आपके सामने लाता हूँ। तो गाइस, हम आज पढ़ रहे हैं आपकी विज्ञान क्लास, मतलब फिजिक्स का हम लोग जो है MCQ कर रहे हैं, जो आपकी आगामी एग्जाम है गाइस 30 डेज के अंदर। अभी 30 डेज कंप्लीट होंगे, देन उसके बाद सितंबर में आपकी जितनी भी एग्जामें हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं। तो गाइस, आप लोग सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाना है, और सभी को क्लासेस जो अभी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा डेली प्रोवाइड करूंगा गाइस, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं होगा, बस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइज, लाइव क्लास बिल्कुल चल रही है, तो आप लोग अपने कमेंट्स हमें कर सकते हैं, और आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ सजेशन देना हो तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और कमेंट्स करना है। तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम आज की यह क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं समाधान स्टडी चैनल में, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह पहले हमारा यह क्रैश कोर्स है, स्टार्ट है गाइस, बता दूं आपको। तो हम यह जो है फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग को ज्वाइन हो जाना है, क्लास बिल्कुल रेगुलरली चलेंगी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। क्या कहा है क्वेश्चन ने, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्न में से कौन सा भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है। तो आपके पास इन्होंने 4 ऑप्शन रखा है, तो उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सी परिकल्पना यहाँ सही है या गलत है। आपको एक एक क्वेश्चन को गाइस ध्यान पूर्वक पढ़ना है और मेरे साथ दोहराना है। चलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर दिया है इन्होंने, परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर का आपको चयन करके बताना है। क्या केवल एक या दो होगा, केवल एक दो होगा, केवल तीन होगा, या एक दो तीन होगा। गाइस चलिए जल्दी से कमेंट्स कीजिए मुझे। बिल्कुल आपने किया है ऑप्शन नंबर डी, तीनों राइट होंगे। क्या होगा गाइस, तीनों जो है यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है इन्होंने, परिक्षेपण, अपवर्तन या फिर आंतरिक परावर्तन। तो यह जो है तीनों राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। बिल्कुल आपने सही सजेस्ट किया है और बिल्कुल सही बेहतर कमेंट्स किया है गाइस। 12th वाले स्टूडेंट और जो है 10th वाले स्टूडेंट भी यह क्लासेस को देख सकते हैं, उन्हें भी इसका बेनिफिट आगे जाके जरूर मिलेगा। चलिए, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है गाइस, 5 होती है, 3 होती है, 6 होती है, या 7 होती है। तो बिल्कुल कमेंट्स करना है और फास्टली कमेंट्स करें। चलिए, बहुत बेहतर कमेंट्स कर रहे हैं गाइस। चलिए, वेरी गुड गाइस, तो बिल्कुल आपने किया है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल बेहतरीन प्रयास किया है। आपको एक एग्जांपल जो आपने पढ़ा होगा, या मैं बता दूं आपको, बैजानी हिप्पी नाला। तो गाइस, इसमें आपके सूर्य प्रकाश के 7 रंग आते हैं बैजानी हिप्पी नाला में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल मजा आएगा गाइस आपको, आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए, बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपको। चलिए, क्वेश्चन है यह कथन का क्वेश्चन है गाइस, ऐसे ही आपको जो है क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि फिजिक्स है गाइस, इसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए पैटर्न देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है क्वेश्चन सेट किए आपके लिए और हमने ये क्लासेस लाया है। चलिए, कभी कभी हम दो इंद्रधनुष एक साथ देखते हैं जिसमें प्राथमिक इंद्रधनुष के साथ एक अन्य अल्प गहन द्वितीयक इंद्रधनुष लगभग 10 डिग्री दूर होता है। कथन दूसरा दिया है इन्होंने, द्वितीयक इंद्रधनुष जल बिंदुओं से सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के पश्चात अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अब इन्होंने कुट दिया है, तो हम कुट भी जान लेते हैं, क्या क्या इन्होंने कुट दिया है। देखिए गाइस, कुट दिया है इन्होंने, दोनों कथन अलग अलग सही हैं, किंतु कथन दो कथन एक की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। दोनों कथन अलग अलग सही है और कथन सेकेंड कथन एक की सही पुष्टि करता है। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है, ऑप्शन नंबर डी रखा है इन्होंने, कथन एक गलत है, कथन जो है सेकंड सही है। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा कथन एक सही है और कथन एक जो है सेकंड जो है गलत है, मतलब सेकंड वाला जो कथन इन्होंने कहा है वह रॉन्ग है और कथन फर्स्ट जो है इसका राइट है। ऐसे ही गाइस, आपको टाइम लगता है जब आप एग्जाम हॉल में रहते हैं, तो गाइस मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप लोग जो है इसे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और कैसे आपको समझना है वो भी समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अधोलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के मध्य में स्थित है, हरा, नीला, लाल, पीला। तो गाइस क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हरा।
बैजानी हप्पी नाला। इस तरीके से गाइज आपको इसे रटना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से 3 और इधर से 3, तो बीच में कौन सा है गाइज, हरा, बैजानी हप्पी नाला। इस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है और आपको इंद्रधनुष के सातों रंग याद हो जाएंगे। चलिए बढ़ूंगा गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आपको मजा आ रहा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए गाइस, और इस क्लासेस को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम आपको चूज करना है। चलिए मैंने ये बता दिया है आपको, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। बैजानी हिप्पी नाला, फिर से मैं दोहराऊंगा आपके लिए, तो आपने क्या है नीला हरा पीला, तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। चलिए आगे बढ़ता है, इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। चलिए इंद्रधनुष कहां दिखाई पड़ता है, ऑप्शन है आपके लिए, 4 ऑप्शन रखा है इन्होंने, सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण, पतली झिल्लियों द्वारा व्यतिकरण के कारण, सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सूर्य के प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो गाइज आपने किया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो सही प्रयास किया है, सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। जो इंद्रधनुष दिखाई देता है बरसात के दिनों में अधिकतर यह दिखता है, तो यह सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ता हुआ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रकाश तरंगों के वस्तुओं से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वे कौन से, वेग और आवृत्ति जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, तरंग धैर्य आवृत्ति और वेग, तरंग धैर्य और फ्रीक्वेंसी, और तरंग धैर्य और वेग। तो गाइज बिल्कुल आप लोग कमेंट्स कीजिए, तो गाइज बिल्कुल सही प्रयास किया है सभी साथियों का, आपने किया है तरंग धैर्य और वेग, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या किया है आपने, तरंग धैर्य और वेग, वेग मतलब होता है वेलोसिटी, इसे आप लोग याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए, स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, इनमें से किस कथन के कारण मरीचिका बनती है। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है गाइज, जो मरीचिका बनती है वह ज्यादातर रेगिस्तान में बनती है, तो उसका आंसर बिल्कुल आप लोग सही करेंगे, इतनी आपसे जरूर उम्मीद है। क्या 2 3 4 सही होगा, 1 2 सही होगा, 1 और 2 सही होगा, या फिर केवल 4 सही होगा, तो बिल्कुल गाइज प्रकाश के जो है, प्रकाश के अपवर्तन और जो है गाइज इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी किया है, स्थलीय तापमान और प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन और स्थलीय तापन के कारण यह जो है होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा जूम छोटा कर दें हम लोग। चलिए आपको अंत तक बने रहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथन आपके सामने है, आपको इसको विचार करके हमें कमेंट्स करके बताना है, क्वेश्चनों को 2 बार पढ़ना है, जैसे कि मैं आपको मोटिवेट करता रहता हूँ कि आपको क्वेश्चनों को 2 बार जरूर से पढ़ना है, बड़े भी क्वेश्चन आएंगे तो गाइस 2 बार पढ़ना है, आपको समझने में प्रॉब्लम जाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चनों को आप लोग 2 बार पढ़े। चलिए मेरा एक्सपीरियंस कहता है गाइज कि आप लोग को 2 बार पढ़ना चाहिए। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दीर्घ तरंग धैर्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग धैर्य से कहीं अधिक होता है, जल के दृश्य प्रकाश की गति निर्वात का 0.95 गुना होती है, रेडियो तरंगे दुष्टगामी दोलनीय मान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। तो गाइज बिल्कुल आपको कमेंट्स करना है, आपके पास इनमें से कथन दिए हुए, तो इनने कथन क्या दिया है, 1 3 1 2 2 4 और 3 4, तो गाइज इसका राइट आंसर मैं बताऊंगा आपको, तो इसका राइट आंसर होगा 3 और 4, यह दोनों मिलाकर क्या हो गए, राइट आंसर है, तो इसे आप लोग एक बार स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपको नोट डाउन तो आप लोग कर नहीं रहे होंगे, तो आपको स्क्रीन शॉट ले लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वायुमंडल में प्रकाश के विवर्तन का कारण आपको चूज करके हमें बताना है, धूल कण, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, जलवाष्प। तो गाइस बताइए मुझे कमेंट्स करके, वायुमंडलीय में प्रकाश का विवर्तन विसरण जो है उसका कारण क्या है। चलिए सभी स्टूडेंट बिल्कुल कमेंट्स कीजिए, बिल्कुल गाइस, तो आपने किया है धूल के कण, तो बिल्कुल सही प्रयास किया होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया सभी विद्यार्थियों ने। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ज्यादा वीडियो में लॉन्ग नहीं करूंगा गाइस, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से बनाया गया है हमारे द्वारा,
तो आप लोग जो है क्वेश्चनों को एक से दो बार जरूर देखिए वीडियो को, ताकि आपको क्वेश्चन पूरे याद हो जाएं। चलिए, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित किस वजह से होता है? चलिए, धूल कण, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइज इसका आंसर तो मैंने अभी बता चुका हूं आपको, क्या होगा इसका आंसर? धूल के कण। क्वेश्चन अलग अलग है गाइज, हम चाहते हैं कि आपको फिजिक्स में एक से गाइज एक क्वेश्चन के ही हम लोग दो तीन क्वेश्चन को देखते हैं, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन आप कौन सा सही करें। तो गाइज आप लोग को इसलिए मैंने एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लाया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं पहले, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपके सामने दिए हुए हैं, उसके नीचे जो है आंसर भी दिए हुए हैं। तो पहले हम कथन पढ़ लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है, तो उसे सिक्का उस अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। बिल्कुल गाइस, जब आप बाल्टी में सिक्का डालते हैं तो आपको जो सिक्का ऐसा लगेगा कि ऊपर ही है। चलिए दूसरा कथन इन्होंने दिया है, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है, तो सिक्का अपनी वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। तो गाइज इनके जो है ऑप्शन दिए हुए केवल एक दो, या क्या होगा केवल दो, तो ए न तो एक न तो दो। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा दोनों, बिल्कुल राइट है। क्या होगा? दोनों कथन जो है यहाँ पर दिए है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा छोटा करते हैं हम लोग, बड़े क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं गाइस, तो बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि सर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आए सोचते, पर ऐसा नहीं गाइस। क्वेश्चनों को जो है समझिए उसके मतलब को, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क, अब यह दिया हुआ है, सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो मुझे बताना है इसकी व्याख्या की जा सकती है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सभी लोग सही कमेंट्स कर रहे हैं मेरे गाइज। चलिए, परावर्तन योम परागमन की घटना के आधार पर, परावर्तन योम विवर्तन के परिघटना के आधार पर, विवर्तन पर परागमन की घटना के आधार पर, या फिर अपरावर्तन विवर्तन योम परागम की परिघटना के आधार पर। तो गाइज इसका राइट आंसर आपको बता दूं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन विवर्तन एवं परागम के परिघटना के आधार पर। तो बिल्कुल होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए थोड़ा लॉन्ग जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वह एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी से हम लोग। चलिए कथन दिया आपके सामने, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकेंड प्रक्षेपित है किए जाते हैं। इन्होंने दूसरा कथन दिया हुआ है, आंखों की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1s तक बना होता है। अब इन्होंने कुट दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है, आर ए सही स्पष्टीकरण नहीं करता, ए आर दोनों सही है, आर ए की स्पष्टीकरण करता है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। जिसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, आर और ए दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण करता है। चलिए इसे समझ लेते हैं गाइस क्वेश्चन को। निम्न दो वाक्य दिए गए हैं, एक कथन है दूसरा कारण है, कथन और कारण है, तो अब उसको बताना है आपको कि किसका जो है रिलेटेड कौन सा आंसर होगा। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया जाता है, यदि बगल से देखा जाए तो घड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। कारण इनका दिया हुआ है, घड़ी से छड़ी से आने वाले प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटे एवं झुकी हुई होने का आभास कराते हैं। चलिए इन्होंने कुट दिया है पुनः, तो कुट देखिए लेते हैं क्या होगा। तो इसका मैं आंसर ही बता देता हूं आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो ए है तो वह सही है, मतलब जिसका कथन यह सही है। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया जाता है, यदि
बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह से झुकी हुई प्रतीत करती है। बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर है। आप लोग इसका प्रयोग अपने घर की बाल्टी में भी कर सकते हैं। एक बार आप प्रयोग करके देख लीजिएगा, आपको श्योर हो जाएगा। तो गाइज यह थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो बाकी के क्वेश्चन हैं हम लोग कल करेंगे, ताकि जो है आपको ज़्यादा बोझ ना जाए। हम लोग जितने 30 या 40 क्वेश्चन अभी किया है गाइज, तो आपको जो है सभी को याद करना है। और आपको याद ना हो पहली बार देखने से, तो आप लोग पुनः एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर जैसे पूछा गया था क्वेश्चन, पीएटी पीपीटी जीएनटी जितने भी वेटनरी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्टली कह रहे गाइस, तो आप लोग जो है वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से निकाला गया है, 5-6 बुकों का कलेक्शन यहां पर किया गया है। आप लोग उतनी बुक जो है एफर्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने ये क्लास आपके लिए लाया है। तो गाइस आपको क्लास पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो अदर स्टूडेंट है उसको भी इसका बेनिफिट हो जाए। हम चाहते हैं कि सभी जो है शिक्षित हो और सभी को अच्छी अच्छी पोस्ट मिले और अच्छी अच्छी जॉब वह हासिल करें। तो गाइज कमेंट्स बॉक्स में जाना है, कमेंट्स करना है, कुछ कमी हो तो बिल्कुल बेझिझक हमें कमेंट्स करें। बिल्कुल आपके कमेंट्स का जरूर से हम लोग रिप्लाई करेंगे। चलिए इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं इस सेशन में। मिलूंगा आपको ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।